पिछले साल लॉन्च हुई हुंडई वेन्यू सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है। ये सेगमेंट में दूसरे स्थान पर है। सब 4 मीटर एसयूवी की कीमत 6.55 लाख रुपए से लेकर 11.15 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली रखी गई है। हम आपके लिए एक्सेसरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न केवल लुक को बढ़ाएंगी बल्कि आपके वेन्यू को सुरक्षित भी रखेगी। ये 5 वेरिएंट्स ES, SX, SX Plus और SXO में बेची जाती है। सेफ्टी एक्सेसरीज, साइड फेंडर फिन्स, ये आपकी कार को डस्ट और मड से बचाता है और इसकी शाइन अबाधित रखता है। कीमत है 1178 रुपये। डोर वाइजर, कीमत 1299 रुपये। साइड मोल्डिंग गार्निश मैट, कीमत 1299 रुपये। मर्ड फ्लैप्स, कीमत 349 रुपये। स्टाइलिंग एक्सेसरीज, रूफ टॉप स्पॉइलर, इसमें आपको एरोडायनामिक डिजाइन रूफ स्पॉइलर मिलता है जिसका लुक काफ़ी स्पोर्टी है और इसकी कीमत है 4535 रुपये। साइड स्टेप, कीमत 13599 रुपये। फ्रंट ब्लिंकर गार्निश, कीमत 499 रुपये। हेडलैम्प गार्निश, कीमत 799 रुपये। टेल लैम्प गार्निश, कीमत 839 रुपये। क्रोम ग्रिल असेंबली, कीमत 4699 रुपये। रियर बूट गार्निश, कीमत 889 रुपये। रूफ रैप मैट ब्लैक, कीमत 9999 रुपये। स्पोर्टी ब्लैक एंड रेड स्ट्रिप्स कलर सीट कवर, कीमत 4799 रुपये। एक्रोमैटिक ब्लैक विद पर्ल कलर सीट कवर, कीमत 4799 रुपये। बॉडी कवर, कीमत 1299 रुपये। Hyundai इंडिया ने हाल ही में ऑटो एक्सपो 2020 में ऑल न्यू क्रेटा का अनावरण किया। इसका अनावरण Hyundai के एम्बेसडर बॉलीवुड सेलिब्रिटी शाहरुख खान ने किया। Hyundai क्रेटा देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी में से एक है। कस्टमर सब Hyundai क्रेटा को ऑनलाइन HMIL वेबसाइट के माध्यम से या फिर Hyundai के डीलरशिप के माध्यम से ऑल न्यू Hyundai क्रेटा 25,000 रुपए की एडवांस राशि देकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। Hyundai क्रेटा ने नया बेंचमार्क स्थापित किया है जो भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक प्रतिष्ठित ब्रांड और नाम बन गया है और पूरे भारत में 4.6 लाख से अधिक हैप्पी ग्राहकों के साथ एक मजबूत विरासत का निर्माण कर रहा है। इसलिए Hyundai इंडिया ने सभी नई क्रेटा को नई सुविधाओं और मॉडिफिकेशन के साथ पेश किया है। Hyundai इंडिया को भरोसा है कि ऑल न्यू क्रेटा उपभोक्ताओं के हित को बनाए रखेगा और नए युग के ग्राहकों की अंतिम आकांक्षाओं को पूरा करेगा। स्पेशियस इंटीरियर और जेनरस लगेज रूम के साथ ऑल न्यू क्रेटा अपने वैल्यूड कस्टमर्स के लिए आरामदायक और खुशी की यात्रा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा Hyundai ने 2-स्टेप रियर सीट रिक्लाइन के साथ रियर विंडो सनशेड भी पेश की है। Hyundai ने ड्राइव मोड सिलेक्ट, इको कंफर्ट एंड स्पोर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल में मोड्स स्नो सैंड और मड जैसे फीचर्स को शामिल किया है जो ऑल न्यू क्रेटा पर अल्टीमेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं।
हीरो मोटोकॉर्प ने सुपर स्प्लेंडर को BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। सेल्फ रम अलॉय व्हील की कीमत 67,300 रुपये और सेल्फ डिस्क अलॉय व्हील की कीमत 70,800 रुपये है। बाइक में इंजन के साथ साथ कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हैं। इसमें 155 सीसी PFI इंजन दिया गया है, जो 10.73 BHP की पावर और 16.6 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इंजन में I3S टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जरूरत नहीं होने की स्थिति में इंजन को बंद कर देती है। फिर जैसे ही क्लच दबाया जाता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स भी मिलेगा, जो पुराने मॉडल में 4-स्पीड गियर बॉक्स था। बाइक में 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक कंबाइन ब्रेक CBS दिया गया है। ये ड्यूअल पेंट स्कीम के साथ आ रही है। पुराने मॉडल के तुलना में इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 30 mm ज्यादा है। वही सीट की साइज भी 45 mm ज्यादा बड़ी है। हाल ही में समाप्त हुए ऑटो एक्सपो 2020 में Volkswagen इंडिया ने अपने नए ब्रांड लोगों को पेश किया और ये भी उल्लेख किया कि उनका ध्यान मुख्य रूप से भारतीय बाजार के लिए SUV को पेश करने पर होगा और इसीलिए इस आयोजन के दौरान उन्होंने भारतीय बाजार के लिए SUV की लाइन का भी अनावरण किया, जो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। Volkswagen 18 मार्च 2020 को भारत के लिए अपनी नई SUV T-Roc के मूल्य के निर्धारण की घोषणा करेगी। T-Roc की लॉन्चिंग Tiguan All-Space के बाजार में आने के बाद होगी, जो Tiguan का 7-सीटर और एक्सटेंडेड वर्जन है। हाल ही में फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में T-Roc का अनावरण किया गया था और वर्तमान में भारत में सभी Volkswagen डीलरशिप पर बुकिंग चालू है। 2500 कार नियम के तहत शुरू में T-Roc को पूर्ण आयात के रूप में भारत में लाएगा। Volkswagen T-Roc BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगा, जो 48 BHP और 220 Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन के लिए आता है। सुरक्षा सुविधाओं में 6 एयरबैग ABS और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। Volkswagen T-Roc कई नई डिजाइन तत्वों का परिचय देता है। Volkswagen T-Roc नए डिजाइन एलिमेंट्स पेश करती है, जिसमें लार्जर हेक्सागोनल ग्रिल LED DRL जो बम्पर और हेडलाइट मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड है, कॉन्ट्रास्ट कलर रूफ और नोटिसेबल सी पिलर डिजाइन और इसमें हिडन एग्जॉस्ट स्ट्रिप शामिल है। Volkswagen T-Roc का मुकाबला जीप कंपस और Hyundai Tucson के साथ होगा।
होंडा कार इंडिया ने लॉन्च से पहले ही WRV फेसलिफ्ट की बुकिंग्स लेना शुरू कर दिया है। नई WRV में दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक देश भर की होंडा डीलरशिप पर 21,000 रुपए की एडवांस अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। 2020 होंडा WRV को पहली बार पूरी तरह रिफ्रेश लुक दिया गया है और नया BS6 इंजन देने के साथ इसे स्पोर्ट्स अपग्रेड भी दिया गया है। होंडा जैज पर आधारित ये क्रॉसओवर अब बदले हुए और आकर्षक फ्रंट बम्पर के साथ नए फॉग लैम्प हाउसिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ आई है। कार में नई ग्रिल दी गई है जिसने फिलहाल उपलब्ध कराई जा रही हनीकॉम मैश ग्रिल की जगह ली है। कार के हेडलैम्प समान ही है लेकिन इन्हें LED लाइट से लैस किया गया है। 2020 होंडा WRV का प्रोफाइल लगभग समान ही है। 2020 होंडा WRV फेसलिफ्ट के साथ समान 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है। कार का पेट्रोल इंजन 89 BHP की पावर और 110 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल इंजन की बात करें तो ये 98 BHP की पावर और 200 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। बता दें कि ये कार BS6 4 मॉडल का पावर आउटपुट है। अनुमान है कि BS6 इंजन के साथ कार के पावर में हल्के बदलाव हो सकते हैं। नई WRV के साथ समान 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। वहीं इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स पर फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। देश की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर और स्थापना के बाद सबसे बड़ी निर्यातक ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने स्पिरिटेड न्यू वर्ना की एक तस्वीर अनवील की है। ये स्टाइलिंग प्रपोर्शंस आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है। स्पिरिटेड न्यू वर्ना के डिज़ाइन डायरेक्शन इंस्टिंक्टिव ब्यूटी और इमोशनल वैल्यू डिजायरेबिलिटी क्रिएट करने के लिए है जिसके परिणाम स्वरूप सेंशियस स्पोर्टीनेस का एक ग्लैमिंग फिगर है। स्पिरिटेड न्यू वर्ना 5 स्तंभों पर आधारित है। स्पेक्टेकुलर डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग फीचर्स हाई रिलायबिलिटी एडवांस टेक्नोलॉजी और यूथफुल परफॉर्मेंस। स्पिरिटेड न्यू वर्ना सेंशियस स्पोर्टीनेस डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ समग्र रूप में शामिल है। नेक्स्ट लेवल बेंचमार्किंग लेते हुए स्पिरिटेड न्यू वर्ना कई फर्स्ट इन सेगमेंट के साथ आती है। 10.67 सेंटीमीटर कलर TFT फ्रंट वेंटिलेटेड सीट वायरलेस फोन चार्जर हैंड्स फ्री स्मार्ट ट्रंक इमरजेंसी सिग्नल डिजिटल क्लस्टर कोटिंग लगेज नेट और हुक रियर USB चार्जर और अर्काइमास प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ ये आती है। स्पिरिटेड न्यू वर्ना BS6 डीजल और पेट्रोल इंजन की पेशकश करेगी जो 7 ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ 1.0 लीटर टर्बो GDI इंजन के साथ एनर्जेटिक और यूथफुल परफॉर्मेंस का वादा करती है। 6 लीटर ट्रांसमिशन और इंटेलिजेंट वेरिएंट ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर BS6 पेट्रोल और 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर LBS 6 डीजल 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सुपीरियर पावर परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करती है। द स्पिरिटेड न्यू वर्ना सेडान सेगमेंट में एक नई युग की शुरुआत करने के लिए सेट है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री BS4 से BS6 इमिशन नॉर्म्स पर स्विच कर रही है, वैसे ही अधिक ऑटोमोबाइल निर्माता BS4 स्टॉक के लिए भारी छूट भी दे रहे हैं, क्योंकि इन निर्माताओं के लिए 1 अप्रैल 2020 से BS6 व्हीकल बेचना अनिवार्य होगा। तो चलिए हम आपको BS4 अनुरूप मॉडल पर भारी छूट के साथ कारों की लिस्ट बताते हैं। 2019 ऑडी Q7 TDI, इसमें आपको 13 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है और इसकी शुरुआती कीमत 72.21 लाख रुपए है। वही ऑडी Q7 जर्मन निर्माता ऑडी द्वारा बनाई गई एक मध्यम आकार की लग्जरी SUV है। इसे एक रीडिफाइंड इंजन मिलता है और भविष्य में ये फेसलिफ्ट होने की उम्मीद है। 2019 ऑडी A4 TFSI, इस पे आपको 8.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है और इसकी शुरुआती कीमत 41.49 लाख रुपए है। इसमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, अच्छी तरह से सॉर्ट की गई सवारी और स्पेशियस केबिन मिलती है।
2019 होंडा CRV डीजल। इस पे आपको 5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है और इसकी शुरुआती कीमत 30.67 लाख रुपए है। होंडा CRV होंडा हाउस की एक लोकप्रिय SUV है। महिंद्रा XUV300, इस पे आपको 70,000 रुपए की छूट मिल रही है और इसकी शुरुआती कीमत 8.10 लाख रुपए है। महिंद्रा कॉम्पैक्ट XUV300 को DS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, लेकिन ये डीजल पर अभी भी BS4 है। ह्युंडई क्रेटा, ह्युंडई क्रेटा पर आपको 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है और इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपए है। क्रेटा देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज SUV है। महिंद्रा मराजो, इस पर आपको 1.79 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी और इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपए है। महिंद्रा मराजो BS4 इमिशन MPV को 1.79 लाख रुपए तक के लाभ के साथ पेश किया जा रहा है। जीप कंपस BS4, इस पे आपको 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और इसकी शुरुआती कीमत 15.60 लाख रुपए है। रेनॉल्ट डस्टर, इस पे आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और इसकी शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपए है। BS6 डस्टर एक पेट्रोल मॉडल होगा, इसलिए डीजल वेरिएंट खरीदने के इच्छुक लोगों को अभी इसके लिए जाना चाहिए। SUV को 2 लाख रुपए तक के लाभ के साथ पेश किया जा रहा है। Hyundai Elite i20, इस पर आपको 80,000 रुपए तक की छूट मिलती है और इसकी शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपए है। Hyundai ने i20 पर पेट्रोल इंजन को अपडेट किया है, जबकि डीजल अभी भी BS4 यूनिट है। 2020 में एक नई पीढ़ी का i20 भी लॉन्च होने की उम्मीद है। वर्तमान में BS4 मॉडल 80,000 रुपए तक के लाभ के साथ पेश हो सकते हैं। 2019 टाटा हैरियर BS4, इस पे आपको 1.3 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और इसकी शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपए है। ऑटोमेटिक हैरियर अब बाजार में है, जबकि मैनुअल हैरियर स्पेस और आराम में बड़ी है, लेकिन ये केवल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। BS4 6 मॉडल में अधिक पावर है और ये डीजल ऑटो पावर ट्रेन भी प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी BS4 मॉडल्स की लिस्ट। तो इनमें से आप कौन सी कार खरीदना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट द्वारा बताएं।